जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 और 28 अगस्त 2022 के धनु राशि फल के बारे में। धनु राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे, क्या योग बनेगा और ग्रह आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेंगे, जानेंगे आपके कैरियर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन सभी के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों, जानते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, क्या नक्षत्र बनेगा, क्या योग होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इन 2 दिनों के पंचांग के बारे में। 27 अगस्त 2022 भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष का शनिवार का दिन होगा। अमावस्या तिथि दोपहर 1:48 तक रहेगी, फिर प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। शिव योग अगले दिन सुबह 2:06 तक रहेगा, इसके बाद सिद्ध योग शुरू हो जाएगा। मघा नक्षत्र रात 8:26 तक रहेगा, इसके बाद पूर्वा फागुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव सिंह राशि में होंगे और चंद्रदेव भी सिंह राशि में विराजमान होंगे। राहु काल का समय सुबह 9:09 से सुबह 10:45 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। बात करें 28 अगस्त 2022 की, तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष का रविवार का दिन होगा। प्रतिपदा तिथि दोपहर 2:47 तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। सिद्ध योग अगले दिन सुबह 1:43 तक रहेगा, फिर साध्य योग शुरू हो जाएगा। पूर्वा फागुनी नक्षत्र रात 9:57 तक रहेगा, इसके बाद उत्तरा फागुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव सिंह राशि में विराजमान होंगे और चंद्रदेव सुबह 4:16 तक सिंह राशि में विराजमान होंगे, इसके बाद कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। राहु काल का समय शाम 5:11 से शाम 6:47 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। दोस्तों, 27 और 28 अगस्त को चंद्रमा आपके नवम और दशम भाव में विराजमान होगा। 27 अगस्त को भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि होगी और इस बार भाद्रपद महीने की अमावस्या को शनि अमावस्या का भी खास संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन शिव और पद्म नामक 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन शनि देव और पितृ दोष को प्रसन्न करने के लिए खास उपाय भी किए जाते हैं और ऐसा शुभ संयोग 14 साल बाद 27 अगस्त को बन रहा है और इस दिन गंगा स्नान करने की परंपरा है और इस दिन पितरों की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करने की भी परंपरा है। साथ ही शनिश्चरी अमावस्या पर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, इससे जीवन की परेशानियां कम होती हैं और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। शनि की 7.5 और ढैया अनेक प्रकार के कष्ट पैदा करती है, इसलिए 7.5 और ढैया वाले लोग शनि की शांति के लिए शनिश्चरी अमावस्या के दिन शनि देव के मंत्र का जाप करें। शनि देव को तिल के तेल से अभिषेक करें तो ऐसा करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, परेशानियां दूर होती हैं। और इस दिन प्रातःकाल पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पीपल के पेड़ की परिक्रमा लें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को और ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र दान करें। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और आपकी परेशानियां हल होंगी। बात करें जब चंद्रमा आपके नवम भाव में होगा। नवम भाव आपका भाग्य, शिक्षा, पिता, गुरु और धर्म का होता है और यहाँ चंद्रमा की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर होगी जो कि भाई बहन, यात्रा, पराक्रम और धैर्य का भाव है। तो ऐसे में आप समाज के हित में
कुछ कार्य करते हुए नजर आएंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा और कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा देने का कार्य करेगा। आपका ज्ञान और हास परिहास आपके चारों ओर लोगों को प्रभावित करेगा। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने की कोशिश करें। अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, यह गिफ्ट थोड़ा महंगा हो सकता है लेकिन आपसी रिश्ते अच्छे होंगे। इस दौरान दाम्पत्य जीवन मधुर होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और विश्वास बढ़ेगा। 28 अगस्त को त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। तीन ग्रहों के मिलने पर त्रिपुष्कर योग का निर्माण होता है और यह योग खरीदारी के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इस योग में पूजा पाठ करना, धार्मिक यात्रा करना भी उत्तम माना जाता है। इस योग में किए गए हर कार्य का 3 गुना फल प्राप्त होता है। इस योग में सोना चांदी के जेवर खरीदना, महंगे वाहन जमीन जायदाद खरीदना, गाय भैंस आदि की खरीदारी, नया व्यापार शुरू करना, उद्योग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। इस योग में कुछ भी गलत करने से बचना चाहिए और बाहर से कर्ज लेने से भी बचना चाहिए, कीमती वस्तुओं को बेचना नहीं चाहिए। इस दौरान चंद्रमा आपके कैरियर और व्यवसाय के भाव में होगा और चंद्रमा की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी जो कि आपके परिवार का, माता का, वाहन और प्रॉपर्टी का भाव है। तो ऐसे में परिवार का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा, वाहन सुख की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए यह समय शुभ साबित होगा, घर परिवार में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी और प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। अगर आप आय में वृद्धि के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें। आपको अपने चारों तरफ के लोगों के बर्ताव के चलते कुछ खीज महसूस हो सकती है। इस दौरान आप अपने प्रिय को बहुत याद करेंगे और कुछ घटनाएं अच्छी तो होंगी लेकिन तनाव भी देंगी जिसके चलते आप थकान और दुविधा महसूस करेंगे। इस दौरान आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आप अपने कार्य के प्रति ज्यादा उत्साहित होंगे। लव लाइफ में ताजगी आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, ये दोनों ही दिन आपके लिए शानदार साबित होंगे और छात्रों को भी इस दौरान अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आपके अच्छे प्रदर्शन से आपको भविष्य में लाभ प्राप्त होगा और इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।